अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की स्थिति साफ होती नजर आ रही है। न्यूज एजेंसी एपी का दावा है कि जो बाइडेन ने विस्कॉन्सिन में जीत दर्ज कर दी है, बहुमत से अभी भी वो 6 वोटों की दूरी से हैं। अब तक उनके खाते में 264 वोट आए हैं, लेकिन ऐसे में उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी चुनाव में विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्य निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से एक राज्य में जो बाइडेन ने जीत दर्ज कर दी है, विस्कॉन्सिन में बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है, अभी भी 6 राज्यों के रिजल्ट आने बाकी हैं। ऐसे में अगर इन 6 राज्यों की स्थिति चुनाव को पलट भी देती है तो भी बहुमत के लिए 270 का वोट का होना बहुत जरूरी होगा। लगातार वोटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि नतीजे आने से पहले ही उन्होंने वोटों की गिनती पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने काउंटिंग पर रोक लगाने के लिए मशीनगन में केस दर्ज कराया है। बता दें कि वोटिंग की गिनती के बीच जो और ट्रंप दोनों ने ही अपनी जीत के लगातार दावे किए हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि हम बहुमत के बहुत करीब हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बनेगी, हमारे पास पर्याप्त बहुमत होगा। लेकिन दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की टीम गड़बड़ी के खिलाफ कोर्ट खटखटा रही है। वहीं आपको बता दें कि 28 साल बाद चुनाव हारने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में चुनाव के नतीजे कब आएंगे कोई नहीं जानता। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी राह मुश्किल हो गई है। डेमोक्रेट जो बाइडेन से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। फिलहाल जो बाइडेन 264 और ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स के साथ ही कुछ राज्यों से नतीजों का आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो साल 1992 के बाद दूसरी पारी में हार का मुंह देखने वाले वो पहले राष्ट्रपति बनेंगे। आपको बता दें उनसे पहले जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश को हार का सामना करना पड़ा था और वो दूसरा कार्यकाल हासिल करने से चूक गए थे। वहीं बुश के बाद बिल क्लिंटन, उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और बराक ओबामा सफलतापूर्वक दो बार चुने गए थे।